अपनी बात आप सबके समक्ष मैं निवेदित करूं। उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, जब तक मैं अपने विचार आपके समक्ष निवेदित करता रहूं, अपनी बातें आपके समक्ष रखता रहूं, तब तक बीच में कोई ताली नहीं बजाएगा। शांत होकर सुनना है आपको, बस शांत होकर सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ी ताली होगी। बुध मंगलमय संत समाज, सम्माननीय विद्वद्गण, धर्मप्रिय बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कबीर साहब कौन थे? वस्तुतः कबीर एक आवाज है, एक विचार है। धर्म, ईश्वर, संप्रदाय, मतमतांतर, ये जो पाखंड है, दिखावा है, कर्मकांडों की भूल भुलैया है, और पाप कटने के लिए जो सस्ते सस्ते उपाय बताए गए हैं, इस सब के विरुद्ध एक आवाज है कबीर। कबीर एक क्रांति है, क्रांति में बदलाव होता है। बदलाव, बाहर का बदलाव स्थाई नहीं होता, स्थाई होता है भीतर का बदलाव, विचारों का बदलाव। विचार परिवर्तन, विचार परिवर्तन का अर्थ यह नहीं होता कि अपने से भिन्न विचार वालों को हम गाली देने लगे या उन्हें छोटा सिद्ध करने लगे, उन्हें झूठा सिद्ध करने लगे। विचार परिवर्तन का अर्थ है जो गलत बातें हम आज तक मानते चले आ रहे थे, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, परंपरा के नाम पर, गुरु के नाम पर, मतमतांतरों के नाम पर, उन सबको छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलना, जो सही हो उसे स्वीकार करना। कौन कह रहा है, कहाँ लिखा है, कितने लोग मानते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है, किंतु ध्यान इस पर देना है कि हमारा कॉन्शस, हमारा विवेक क्या कहता है। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया है, जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु के बैना। जब तक कोई विचार, कोई बात अपनी तर्क बुद्धि से सही जान न पड़े, तब तक गुरु की बात को भी आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए। और धर्म के क्षेत्र में प्रायः आंख मूंदकर मानने की राय दी जाती है, और आंख मूंदकर मानते मानते आदमी कहां से कहां अंधविश्वास के दलदल में धंसता चला गया है, कोई ठिकाना नहीं रह गया है। और ये किसी एक मत पंथ संप्रदाय की बात नहीं है, हर मत पंथ संप्रदाय के में स्थिति ये देखी जा सकती है। और दुर्भाग्य तो यह है
दुनिया के जिन महापुरुषों ने धर्म ईश्वर संप्रदाय के नाम पर चलने वाले पाखंड अंधविश्वास और चमत्कार का खुलकर खंडन किया, उनके नाम पर ही अंधविश्वास और चमत्कार बड़े आसानी से उनके अनुयायियों ने ही चला रखा है। कबीर साहब ने सबका खंडन किया तो कबीर के नाम पर अंधविश्वास चल गया, पाखंड चल गया, चमत्कार चल पड़े। बुद्ध ने खंडन किया तो बुद्ध के नाम पर जो जो पाखंड फैल गया, जो जो चमत्कार फैल गए, इतनी महिमा इतनी महिमा। त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध एक पुस्तक है सत्यनारायण गोयनका जी की, जो महिमा है सारे देवी देवता फेल है उनके सामने। और दुर्भाग्य यह होता है हम दूसरे के चमत्कार का खंडन करते हैं, अपने चमत्कार पर मौन रह जाते हैं, दूसरे की बुराइयों पर हम बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में जो बुराइयां हैं मौन। और मौन का मतलब है उन बुराइयों का समर्पण। धर्म के नाम पर इतनी जो कटाकटी है, इतना जो विरोधी भावनाएं हैं, एक सांप्रदायिकता का एक जहर जो फैलता जा रहा समाज में, उसका एक प्रमुख कारण यह है सभी मतावलंबी, मैं धर्म की बात नहीं कहता, न हिंदू धर्म है, न मुसलमान धर्म है, न बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, न जैन धर्म है, न सिख धर्म, ये सब मतांतर संप्रदाय हैं। धर्म तो नैतिकता है, धर्म तो सदाचार है, धर्म तो जीवन का आचरण है, पवित्र व्यवहार है, वो कहीं भी रहकर आदमी कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने पूरा काल से मतांतर संप्रदाय को धर्म मान लिया है, और यही गड़बड़ी हो गई है। मैं ये कह रहा था कि धर्म के नाम पर चलने वाले जो अनेक संप्रदाय हैं, मतांतर हैं, जो प्रेम की बात कहते हैं, समन्वय की बात कहते हैं, एकता की बात कहते हैं, सहिष्णुता और सहनशीलता की बात कहते हैं, वे उपदेष्टा भी आपस में समन्वय नहीं कर पा रहे हैं, एक होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं, सहनशीलता नहीं रह गई है, अपने मत के विरोध में जरा सी भी बात सुनाई पड़ी वो आग उगड़ने लग जाते हैं, फिर मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। क्यों? हर संप्रदाय वालों की दृष्टि भिन्न संप्रदाय वालों की बुराइयों पर है, वहां क्या कमी है इस पर है, और आलोचना हम उसी की करते चले जा रहे हैं। यदि हर संप्रदाय वाला, चाहे कोई भी हो, अपने अपने संप्रदाय में आए हुए जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, जो चमत्कार है, जो कमियां हैं, उनको दूर करने लग जाए तो अपने आप मिल मिला पा जाएगा, धरती स्वर्ग बन जाएगी। आज हमें अपने संप्रदाय में, अपनी परंपरा में जो अच्छी बातें हमारे गुरुजनों ने बताई है उनका आचरण नहीं करना है, किंतु हमें दूसरे संप्रदाय की बुराई करना है। और सारी शक्ति बुराइयों में लगी हुई है, और आज तो और गजब होता चला जा रहा है। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आज का शिक्षित समाज जितना असहिष्णु हो गया है, उतना अनपढ़ समाज नहीं रहा है, नहीं है, और कभी इसके पहले समाज भी नहीं रहा है। असहिष्णुता सब समय रही है, आज है, आगे भी रही है, 1000 साल 2000 साल पहले भी रही है असहिष्णुता। लेकिन आज की जो असहिष्णुता है गजब है। और मनुष्यता की बात कहने वाले, ईश्वर की बात कहने वाले, धर्म की बात कहने वाले लोग जो ईश्वर के भगत हैं, जो रात दिन धर्म की जय बुलाने वाले हैं,
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो नारा दिया जाता है। उनका धर्म सुरक्षित तब होता है जब किसी की हत्या करके अधर्म का काम किया जाता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और धर्म के नाम पर तमाम झूठाई बोली जा रही है। धर्म अधर्म का नाश नहीं करना है, धर्म का पालन करते चले जाओ, अधर्म अपने आप गायब हो जाएगा। नाश करने की आवश्यकता क्या है? अब धर्म के मार्ग पर चले, धर्म को जीवन में उतार ले, धर्म को जिए। हम जितना जितना धर्म को जीते चले जाएंगे उतना उतना अधर्म अपने आप नष्ट होता चला जाएगा, गायब होता चला जाएगा। हम अपनी एनर्जी को धर्म को जीने में खपत नहीं कर रहे हैं, अधर्म के नाश में खपत कर रहे हैं। अधर्म कभी नष्ट नहीं होने वाला है, धर्म का आचरण नहीं करना चाहते हम। धर्म का आचरण करें ना, बस खत्म हो जाएगा बाप। कबीर साहब हमें यही सीख देते हैं। अभी पवन जी ने सदगुरु कबीर की एक साखी उद्धृत की थी, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल ढोंढा आपना मुस्सा बुरा ना कोय। ये बात केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, सामाजिक स्तर पर भी है, धार्मिक स्तर पर भी है। हर संप्रदाय के अनुयायी अपने अपने मतपन संप्रदाय में जो बुराइयां घुस गई हैं और अपने महापुरुष के नाम पर ही उनको निकालने में यदि लग जाए तो दूसरे संप्रदाय के में जो बुराइयां हैं उन्हें देखने के लिए हमारे पास अवसर नहीं रहेगा। हम महापुरुषों का नाम तो लेते हैं किंतु उन्होंने जो शिक्षा दी है, जीवन जीने का तरीका बताया है, उसे जीने का हम काम नहीं करते। सहज ढंग से हर आदमी को अपने अपने मतपंथ का प्रचार करने की आवश्यकता है। और एक बात यह देखना, ध्यान देना होगा, किसी भी मतपंथ का महत्व क्या है, उसकी सार्थकता क्या है, ये जानने के लिए हमें यह नहीं जानना है कि उसके अनुयायियों की संख्या कितनी है, किंतु जानना यह है कि उनके जो गुरु हैं उनकी बात को मानने वाले कितने हैं। कबीर साहब से किसी ने पूछा, कबीर साहब एक चलता फिरता आंदोलन, जहां जाते थे हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी उनके पीछे, उनके पास। तो उनके पास जब हजारों की भीड़ इकट्ठी होती थी और पीछे पीछे हजारों की भीड़ चलती थी, तो किसी ने पूछा कबीर साहब से, साहब आप जहां जाते हैं वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है सैकड़ों हजारों की, क्या ये सब आपके अनुयायी हैं? कबीर साहब ने कहा मुझे क्या पता, अब क्यों ये मेरे पास आते हैं, क्यों भीड़ इकट्ठी करते हैं ये जाने, कुछ मिलता होगा तो आए। तो किसी ने पूछा साहब आप अपना अनुयायी किसे मानते हैं? तो उन्होंने ये नहीं कहा जो श्वेत कपड़ा पहनता है, कंठी माला पहन लेता है, मेरी वाणियों को गाने लग जाता है, साखी सपत को याद कर लेता, वो मेरा अनुयायी है, वो मेरा भक्त है। उन्होंने कसौटी दी, नीर शीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और शीर का निवेरा करता है, सांच और झूठ का निवेरा करता है, गलत और अच्छे का निवेरा करता है, और निवेरा करने के पश्चात झूठ को छोड़कर सांस को ग्रहण करता है,
वह मेरा अनुयायी है। और वही महावीर का अनुयायी, वही बुद्ध का अनुयायी, वही ईसा का अनुयायी, वही रविदास का अनुयायी, वही अनुयायी, वही नानक का अनुयायी। किसी के गुण गाने से, किसी मंत्र, किसी संप्रदाय के किसी मंत्र को पढ़ करके उसमें दीक्षित हो जाने से अनुयायी नहीं हो जाते। ये तो बाहर बाहर बदला, क्या बदला? वही क्रोध, वही काम, वही लोभ, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही राग, वही बैर विरोध की भावना, क्या बदला? कपड़ा बदल गए, पूजा पद्धति बदल गई, मंत्र बदल गया। पहले किसी की पूजा करते थे, अब उसकी पूजा करते थे। पहले राम की पूजा करते थे। एक जगह में गया, मध्य प्रदेश की बात है, बड़ी भीड़ थी वहां, कुछ लोग आए थे, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, हम इसकी मूर्ति नहीं पूजते, उसकी मूर्ति नहीं पूजते, उसकी मूर्ति नहीं पूजते। मैं कहा अच्छी बात, सभा में मैंने कहा ठीक है, आप राम की मूर्ति नहीं पूजते, पहले राम की मूर्ति पूजते थे, अब राम की मूर्ति नहीं पूजते, कृष्ण की मूर्ति नहीं पूजते, शिव या गणेश या महादेव की मूर्ति नहीं पूजते, आप बुद्ध की मूर्ति पूजते हो, कबीर की मूर्ति पूजते हो, अंबेडकर की मूर्ति पूजते हो, रह गए पत्थर की मूर्ति, पुजारी तो रह गए, पत्थरे तो है सबके सब मूर्ति, क्या फर्क बदला? चेहरा बदल गया बस, है तो पत्थर। अब पत्थर पुजारियों को कभी अकल नहीं आएगी, याद रखना, पत्थर पूजते पूजते आदमी का दिल ही पत्थर हो जाता है, और जिसका दिल ही पत्थर हो गया वो कभी इंसान नहीं बन सकता, इंसानियत को समझ ही नहीं सकता। मूर्ति चाहे जिसकी भी रख लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसकी मूर्ति हम रखे हुए हैं, उस महापुरुष की वाणियों का जीवन में आचरण कितना हो रहा है देखने की आवश्यकता है। और आचरण करना ही उस महापुरुष का अनुयायी होना है और उसकी पूजा करना है, लेकिन हम ये नहीं करते। हम उनकी वाणी का पाठ कर लेते हैं, उनके नाम की माला जप लेते हैं, और उनकी मूर्ति के आगे साष्टांग दंडवत कर लेते हैं। आते से दंडवत करने के आदमी के, दंडवत करना गलत तो नहीं है, एक विनम्रता का प्रतीक है, सरलता का प्रतीक है, अहंकार का विसर्जन है। लेकिन दंडवत ही तो करते रह गए, शरीर दंडवत करता है, मन भी दंडवत करता है या नहीं करता है? जिसमें मन दंडवत, शरीर दंडवत कर रहा है, मन में वही अहंकार, वही राग, वही द्वेष, वही ईर्ष्या, वही घमंड, वही बैर विरोध की भावना, तो दंडवत करने से क्या फर्क पड़ता है साहब? इसलिए ऐसा नहीं कहते हैं साहब, कहते हैं सांझ झुक कर निवेरा करो, और निवेरा करने के पश्चात झूठ का त्याग, सांस का ग्रहण। अब पूरी कबीर वाणी को पढ़कर देखें, चाहे वो बीजक हो या बीजक के बाहर की वाणी हो, कबीर ग्रंथावली हो, कबीर भजनावली हो, साक्षी ग्रंथ हो, पूरी कबीर वाणी में कबीर पंथ के किसी नियमावली का वर्णन नहीं है। कबीर पंथ की चर्चा ही नहीं, कबीर साहब जमाने में कबीर पंथ था ही नहीं, कबीर पंथ शब्द तो बाद में आया। सत्य का उद्घाटन है और असत्य का परिमार्जन है, खंडन है कह सकते हैं आप। और सच तो यह है, हम जितना जितना सत्य का उद्घाटन करते चले जाएंगे, असत्य उतना ही दबता चला जाएगा, छिपता चला जाएगा। सत्य को जीने के रास्ते में कठिनाई होती है, और कबीर अकेले चले थे। आश्चर्य होता है लोगों को, थोड़ा सा हम विचार करके देखें कबीर के पास क्या था। न धन बल था, न जन बल था,
न परंपरा बल था, न जाति बल, न वर्ण बल, न समाज बल, न धर्म ग्रंथ का बल, न ईश्वर का बल, कोई बल तो नहीं था कबीर के पास। नीरू नीमा गरीब जलाहे दंपत्ति के यहाँ, चाहे उनका जन्म हुआ हो चाहे पाला पोसा हो, पाला पोषण पालन पोषण तो हुआ ही हुआ, पढ़ने लिखने की कोई सुविधा नहीं मिली, बड़ी गरीबी में जीवन व्यतीत हुआ। जिसे छोटी जाति कहते हैं वहाँ जन्म हो, वहीं पाला पोसे, वहीं पाले पोसे गए, वो क्या था उनके पास। कुछ तो नहीं था, विरोध विरोध विरोध, कितना विरोध सहन करना पड़ा धर्म नेताओं द्वारा। वो धर्म नेता को चाहे पंडित पुरोहित कहें, चाहे मुल्ला मौलवी कहें, चाहे और कुछ कह ले, और राजनेताओं द्वारा विरोध ही मिला। समाज के जो अगवा लोग थे उनसे विरोध ही मिला, लेकिन इतना विरोध होते हुए भी कबीर क्यों छाते चले गए और उभरते चले गए, प्रकाशित होते चले गए, कारण क्या था, क्या था कबीर के पास। कबीर के पास और कुछ बल रहा हो या ना रहा हो, सत्य का बल और आत्म बल था, बस दो बल थे उनके पास। जिसके पास सत्य का बल होगा उसके पास आत्म का बल होगा, और आत्म बल होगा उसके पास सत्य का बल हो जाएगा, बस यही है। आज से लगभग 2500 साल पहले अकेले तथागत बुद्ध ने जितना किया, दुनिया के सारे बौद्धिष्ठ मिलकर उतना नहीं कर पा रहे हैं। 600 साल पहले अकेले कबीर ने जितना किया, पूरी दुनिया में छाए हुए लाखों कबीरपंथी उतना मिलकर के नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? तथागत की बुद्ध के पास सत्य का बल था, कबीर के पास सत्य का बल था, और हम सत्य की बात कहते हैं, सत्य का बल हमारे पास है नहीं। हमारा सत्य केवल जबान तक है, बस हृदय में नहीं। हम गोष्ठियों में बड़ी 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 चर्चाएं कर लेते हैं, और जैसे गोष्ठी से बाहर उतरते हैं असत्य के बीच में रहते हैं, असत्य में जीवन जीते हैं, इसलिए हमारी वाणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणानुवाद गाना बड़ी बात नहीं है, गुणानुवाद गानों में एक प्रकार का अहंकार होता है, अरे हम कबीर साहब की इतनी इतनी बातें जानते हैं, कबीर वाणी की ऐसी ऐसी व्याख्या कर लेते हैं, अहम पुष्ट होता हूं हमारा उससे। लेकिन जीवन बदला या नहीं बदला, क्या क्या कहीं हमारे पास पाखंड तो नहीं है, कोई दिखावा तो नहीं है, और कबीर सारे दिखावा और पाखंड के विरोध में रहे हैं, किसी के नाम पर नहीं, खरा सत्य, क्या खरा सत्य कहा। डरना वो जानते ही नहीं थे। एक बात और बीच में याद आ गई, लोग प्रायः यह कहते हैं कबीर ने तो सबका खंडन किया, सबको खंडन, सबका खंडन किया, किसी को नहीं छोड़ा। बात सच है, किसी को नहीं छोड़ा, और खंडन भी उन्होंने किया, लेकिन केवल खंडन ही नहीं किया, सत्य को ग्रहण भी किया। उनकी एक साखी है, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। शायद मानखेड़े जी कौन कह रहे थे, पक्षपात जहां भी आएगा वहां हम बिना पाप किए रहेंगे नहीं। वो पक्षपात चाहे कबीर का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे किसी का भी हो, हम चाहे बुद्ध के पक्षपाती बने, कबीर के बने, महावीर के बने, किसी पक्षपाती बनेंगे, दूसरे वालों साथ अन्याय जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी बात हम समझना चाहेंगे ही नहीं। एक कुपमंडूक बनकर रह जाते हैं जब हम पक्षपात करते हैं तब। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान, अपने अपने सिरों का सबन लीन है मान। निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान, अपने अपने जो सिर का, अपने शास्त्र, अपनी परंपरा, अपने गुरु की बात तो सबने स्वीकार कर लिया और मान लिया कि दुनिया का सारा सत्य मेरे अपने संप्रदाय में है,
कल्याण का कोई मार्ग है, निर्वाण का कोई मार्ग है, मोक्ष का कोई मार्ग है, परमात्मा पाने का कोई मार्ग है, तो मेरा अकेला अपना संप्रदाय। सबने ये मान लिया। लोग ये कहते हैं सत्य अत्यंत विशाल है, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा अत्यंत विशाल है। अत्यंत विशाल परमात्मा को सभी लोगों ने अपने अपने संप्रदाय की डिबिया में बंद करके रखा है। जब थोड़ा थोड़ा लोग आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल कर बांटते हैं वहां उसमें से। सत्य को विशाल कहने वाले लोगों ने सत्य को अपने मत मत की डिबिया में बंद कर रखा है। कहां समझा, पक्षपाती बन गए ना। अपने अपने सिरों का सबन लीन है मान, सबने मान लिया। एकमात्र मार्ग यदि है कल्याण का, निर्वाण का, मोक्ष का, परमानंद का, आत्मा साक्षात का, परमात्मा साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार का, तो हमारा अपना मान। कबीर साहब कहते हैं ये सारी बातें झूठ। ऐसा कहने वाले न सत्य को समझ सकते हैं, न धर्म को समझ सकते हैं, न आत्मा परमात्मा को समझ सकते हैं। जो कुपमंडूक हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, वो क्या समझेगा। जो धर्म को समझेगा, अलग ईश्वर है या नहीं है ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन यदि कोई मानता है कि अलग ईश्वर है और ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में है, उसका यदि दृढ़ विश्वास है, तो ये कभी ये नहीं कहेगा कि वह ईश्वर को हमारे संप्रदाय द्वारा पाया जा सकता। कण कण में विराजमान परमात्मा को अपने संप्रदाय में हमने संकुचित कर लिया, इतने संकुचित बन गए हम, और कहते हम भगवान के भगत हैं। एक और कण कण में व्यापक मानते हैं, एक और कहते नहीं हमारा संप्रदाय द्वारा पाया जा सकता, कहां समझे। अब इसका ईश्वर ना करके सत्य कह लो, धर्म कह लो। साहब इसलिए कहते हैं निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत जान। सत्य के अनुसंधान में निष्पक्षता प्राण तत्व है। जो निष्पक्ष नहीं हो सकता वो सत्य का अनुसंधान नहीं कर सकता है। विद्वान होना अलग बात है, व्याख्याता हो जाना अलग बात है, प्रवक्ता हो जाना अलग बात है। और हम शाब्दिक चर्चा तो कर लेते हैं सत्य के, और शाब्दिक चर्चा कर मान लेते हैं हम सत्य के अनुसंधाता बन गए। ये अनुसंधान करना नहीं है, ये तो शाब्दिक है। और शब्द को हम सत्य को हम शब्द में बांध नहीं सकते, उसके लिए अपने हृदय को विशाल और उदार बनाना होगा। क्या अपना क्या पराया, समन्वय का रास्ता अपनाना होगा। साहब इसलिए कहते हैं सुनिए सबकी निवेरिए अपनी। सबकी बातों को सुनो लेकिन निर्णय अपना करो। धर्म के नाम पर आज लोग इतने संकुचित हो गए हैं कि एक धर्म का अनुयायी, एक संप्रदाय का अनुयायी दूसरे संप्रदाय के अनुयायियों की बात को सुनना भी पसंद नहीं करता, पास में बैठना भी पसंद नहीं करता, तो मेल मिलाप की भावना कहां से पैदा होगी, एकता कैसे आएगी, समता कैसे आएगी। अरे मानो मत, पहले सुनो तो, थोड़ा उदारता पूर्वक व्यवहार तो करो। और ये नहीं हो पाता है, इसलिए कबीर साहब हमें जगाते हैं। जो जगाने वाले हैं किसी भी मतपन समुदाय के हों, जो जगाने वाले हैं वही कबीर हैं। नाम भले उसका ना हो, कबीर का अर्थ होता है जगाने वाला, जो स्वयं जगा हुआ हो, उसी को हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का अर्थ ही है जगा हुआ। जो जगा हुआ होगा वो बुद्ध होगा, वही कबीर होगा। जो कबीर होगा वो बुद्ध हो जाएगा, बुद्ध होगा वो कबीर हो जाएगा, क्योंकि जगह दो जगे हुए हैं दोनों। और हम कबीर की वाणी पढ़ते पढ़ते पहले थोड़ा बहुत जाग भी रहे थे ना, अब गहरी नींद में सोते चले जा रहे हैं। कहां समझ पाए कबीर को। इले साहब कहते हैं नीर शीर का करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और छिर का निर्णय करेगा,
साहब कहते वो मेरा अनुयायी है। कबीर साहब की कुछ बात बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा बस थोड़े समय में। सदगुरु कबीर की पहली अपील कहें या पहला संदेश कहें, पहला उपदेश कहें, वो यही है कि एक आदमी जब दूसरे आदमी से मिले तो जाति वर्ण दूध और संप्रदाय न पूछे। जाति झूठी, वर्ण झूठा, संप्रदाय भी झूठा एक प्रकार से कहो तो, और दूध तो सब अपने अपने माँ का पिए ही हैं, इसमें कोई बातें नहीं, सबको दूध सफेदे होता है, पूछना क्या है इसमें। मैं देख रहा हूं जैसे मैं हूं सामने वाला भी वैसा ही है, बस यदि पूछने की आवश्यकता क्या है। इसलिए कोई भी किसी भी व्यक्ति से मिले कहीं भी तो जाति वर्ण न पूछे। आवश्यकता क्या है भाई, बस मनुष्य है, मनुष्यता का व्यवहार करें। मैं क्या जो मैं चाहता हूं सामने वाला भी वही चाहता है, परस्पर थोड़े समय की मुलाकात है, प्रेम से समता से एकता से मिल भर कर अपना व्यवहार कर लें, वो भी खुश हम भी खुश। और कहीं जब दो आदमी मिले और बातचीत हो, साथ में कुछ देर रहना हो, ट्रेन में बस में या कहीं साथ में रहना हो, दो आदमी मिले तो पहले तो एक शिष्टाचार सामान्य बात व्यवहार की बातें होती है, तो कभी कुछ वैचारिक चर्चा होने लगे तो वैचारिक चर्चा में ध्यान यह देना होगा, चर्चा की शुरुआत उन बिंदुओं से ना करें जहां पर दोनों के विचारों में मतभेद है, किंतु विचारों की शुरुआत वहां से करें, वार्तालाप शुरुआत वहां से करें जहां दोनों के विचारों में एकता है। अब एकता की बातों पर विचार करते करते जहां मतभेद है वहां भी यदि विचार करने लगेंगे तो कटाकटी नहीं होगी, कटुता नहीं आएगी, संप्रदायता नहीं आएगी। तो हम गलती क्या करते हैं, शुरुआत वहां से करते हैं जहां मतभेद है, और मतभेद पर चर्चा करते करते जहां एकता है वो बात सारी बातें भूल जाते हैं, जब बिछुड़ते हैं तो दोनों के मन में केवल कर्ता और द्वेष ये रह जाते हैं। ये मिलने की अच्छी शैली नहीं, बात करने की अच्छी शैली नहीं है, मुलाकात की अच्छी शैली नहीं है। अपने अपने बात आप मानना चाहते हैं माने, लेकिन जब बिछोड़ना हो तो दोनों के मन में दोनों के लिए प्रेम हो, सद्भावना हो, एक करुणा का भाव हो, फिर मिले ये उत्कंठा हो, तो मिलना जुलना सार्थक होता है। यदि इसके विपरीत हुआ तो मिलना जुलना सार्थक नहीं हुआ। इले साहब कहते हैं अपनी कहे मेरी सुने, बस अपनी बात कहे मेरी बातें सुन ले, और फिर साहब कहते हैं सुनिए सबकी निबेरी है, अपनी सबको करके सुन करके अपना निबेरा कर लो। तो बात में ये कह रहा था कि एक आदमी दूसरे आदमी से जब मिले तो जाति न पूछे, क्योंकि मनुष्य मात्र की एक जाति है मनुष्यता, समान प्रसवात्मिका जात, जिनका जन्म एक ढंग से होता है उनकी एक जाति होती है बस, और दुनिया में मनुष्य मात्र के जन्म का तरीका एक है, इसलिए मनुष्य मात्र की एक जाति है मनुष्यता। दुर्भाग्य यह है हम कुत्ते जाति नहीं पूछते, गाय बैल की जाति नहीं पूछते, आदमी की जाति पूछते हैं, और जाति मानकर तब निर्णय करते हैं कि आदमी छोटा है या बड़ा है। बहुत पुरानी बात है, गुरुदेव जी एक जगह बैठे हुए थे, एक पंडित लेकर रहा हूं, जैसे ब्राह्मण जाति में जब जन्म होते पंडित कहा जाता है उसी अर्थ में कह रहा हूं, ऐसे पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी,
समझदार विवेकी। लेकिन सामान्य बोलचाल में ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ जिसे कहते हैं उसे पंडित कह देते हैं। वो मिलने आए, उन्होंने गुरुदेव जी से कहा, महाराज जी मैं सुनता हूं कि आप जाति बात नहीं मानते। गुरुदेव जी ने कहा, नहीं बिना तो जाति बात बहुत जबरदस्त मानता हूं, और मेरे भोजनालय में मेरी जाति का ही आदमी जो मेरी जाति वाला है वह है, वही प्रवेश कर सकते हैं, मेरी जाति वाले भोजन बना सकते, उसी बना भोजन में खाता हूँ। इतना नहीं है, मैं तो एक फलांग दूर से समझ लेता हूँ कि कौन किस जाति का है। अच्छा महाराज, ऐसा कैसे समझ सकते हैं? तो आपकी जाति क्या, आपके आपके भोजनालय में कौन जाति आता है? कि मैं मनुष्य हूँ, तो मेरे भोजनालय में मनुष्य जाति का है आदमी जाता है, वही भोजन बनाता, वही भोजन में खाता हूँ, कुत्ता बिल्ली मिला मिला थोड़े भोजन खाता हूँ। एक फलांत पहचान दे कहते हूँ, गुरुदेव का मैं यहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ गाय आ रही है, समझ लेता हूँ ये गाय जाति का है, कुत्ता आता समझ लेता हूँ ये कुत्ता जाति का है, गधा आता है समझ लेता हूँ गधा जाति का है, आदमी आता समझ आदमी जाति का, मैं तो एक फलांत दूर से पहचानता हूँ। कह मरा तो आप जात पात नहीं मानते? गुरुदेव का मैं तो कहता हूँ जात पात मानता हूँ, तो मानव मात्र की एक जाति है बस, और सारी जातियां काल्पनिक झूठ। लेकिन जो झूठ है वो झूठ बड़ा हो गया और सच छोटा हो गया। काल्पनिक झूठ ही जाति बड़ी होगी, मनुष्यता छोटी हो गई, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। और आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हुए हैं, मेरे निवेदन है आप लोगों से कि आप लोगों के मन में यदि सद्गुरु कबीर के प्रति रंस मात्र भी प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो कभी किसी से जाति मत पूछना, कि सिर्फ मनुष्यता का प्रेम का व्यवहार करना। दूसरी बात, धर्म मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रमों में नहीं है, धर्म पोथी पुराण में नहीं है, धर्म आकाश पाताल में नहीं है, हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन सिख ईसाई ये सब धर्म नहीं है। धर्म है जीवन का आचरण, धर्म है सदाचार, धर्म है नैतिकता। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे एक छोटी सी परिभाषा एक लाइन में, धर्म की परिभाषा, अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील और करुणा का व्यवहार, बस इतने में धर्म है। अपने पर संयम हो, दूसरों के साथ शील करुणा प्रेम का व्यवहार, ये धर्म का हम पालन कर सकें तो हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा स्वर्ग, ये हमारी दुनिया सब स्वर्ग बन जाए। यही तो नहीं, और धर्म की बड़ी बड़ी चर्चा है, लेकिन न अपने पर संयम है, न दूसरों साथ शील और करुणा का व्यवहार है, तो इस चर्चा का धर्म काम नहीं आएगा, जीवन का धर्म काम आएगा। इसलिए जीवन को धार्मिक बनाए। अरे कोई बहुत कठिन, इसमें बड़ी कठिनाई नहीं है, सहज है, थोड़ी मेहनत लगेगी, अभ्यास तो करना पड़ेगा, अपने स्वार्थ पर, लोभ पर, क्रोध पर, ईर्ष्या पर, द्वेष पर, अहम भाव पर संयम करते चले जाएं। जितना हम अपने पर संयम करते चले जाएंगे उतने साथ उतना ही शील और करुणा के बाद उसके साथ होता चला जाएगा। और अंत में सदगुरु कहते हैं, जिसे पाना चाहते हो नाम कुछ भी ले लो, वो बाहर कहीं नहीं है, वो नित्य प्राप्त है। कबीर साहब की दृष्टि में जिसे देवी देवता कहते हैं वो आकाश पाताल में नहीं है, इसी धरती पर। इसलिए उन्होंने कहा, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हसत पचा सुंदर रूप निहारो। आप कहते हैं परमात्मा को, भगवान को, देवी देवता को देखने के लिए मैं आंख कान नाक बंद नहीं करता, कायाकष्ट करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो खुले नेत्रों से
जिधर देखता हूँ वहाँ मुझे भगवान का देवता सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। यहाँ देखो कितना सुंदर भगवान बैठा हुआ है, एक तरफ भगवती बैठी हुई है, एक तरफ भगवान बैठे हुए हैं, एक तरफ देवियाँ बैठी, एक तरफ देवता बैठे, इससे बड़ा देवता, इससे बड़ा भगवान आपको कहाँ मिलेगा। जो मनुष्यों जो मनुष्यों में प्राणियों में देवी देवता भगवान भगवती नहीं देख सकता, उसे दुनिया में कहीं भगवान मिलने वाला है ही नहीं बिल्कुल। मैंने ताली बजाने को मना किया था भाई, शांत हो जाए, बस अपनी बात में समाप्त करता हूं 5 मिनट में। कबीर जेती आत्मा तेती शालिग्राम, अब जितने आत्माएं हैं जितने मनुष्य हैं सब शालिग्राम हैं। और पत्थर का शालिग्राम गोल गोल है वही शालिग्राम नहीं है, वो तो आपकी भावना है, आपने बना लिया है, लेकिन ये तो अपना स्वतः भगवान है। बस उस भगवत्ता को समझने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति भगवत रूप है मूल रूप में, हम अपनी भगवत्ता को भूल गए हैं इसलिए बाहर भगवान खोजते हैं। आपको भगवान पाना नहीं है। लोग कहते हैं कि आदमी को गुरु के पास जाना चाहिए, किसी गुरु से दीक्षित होना चाहिए, गुरु शरण में जाना चाहिए। कैसे, क्यों? ताकि गुरु, जब आदमी गुरु से जुड़ जाता है तो गुरु आदमी को भगवान से मिलने का रास्ता बताता है, होगा। लेकिन ये बात कबीर साहब दृष्टि में ये बात गलत है। गुरु वह है, गुरु वह नहीं है, गुरु वह नहीं है जो आदमी को भगवान से मिलने का रास्ता बताता है, गुरु वह है जो आदमी को भगवान होने का रास्ता बताता है। भगवान मिलेगा तो छूट जाएगा, और भगवान हो जाओगे तब छूटना बिछुड़ना क्या है। आप भगवान रूप हैं, वो भगवान नहीं होते जिसे आप कल्पना करते हो दुनिया बनाए। दुनिया तो अनादि काल से चल रही है, अपने आप चलती रहेगी। कब नहीं थी दुनिया, सदैव से थी। मैटर नित्य है, मैटर के गुणधर्म नित्य है, तो दुनिया भी नित्य है। जब तक मैटर है तब तक दुनिया रहेगी, और मैटर सदा से है, सदा रहेगी, तो दुनिया सदा से है और दुनिया सदा से सदा रहेगी। इसे बनाने बिगाड़ने वाले की आवश्यकता क्या है। वो भगवान की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवान कौन? भग्न कर दिया है वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। भग्न का मतलब होता है तोड़ देना, नष्ट कर देना, काट डालना। वान का अर्थ है बंधन, मन के विकार। हमारे मन के विकार ही हमारे लिए बंधन बनते हैं। अपने मन के विकारों को जिन्होंने तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, मिटा डाला, वो भगवान बन गया। कर विचार विकार परिहरी, तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजन द्वितीया और न कोए। साहब कहते हैं जिन्होंने विचार करके विकारों का परित्याग कर दिया वो भगवान बन गया। साहब कहते हैं उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करके उपासना करके तुम भी भगवान बन सकते हो। तो पाना कुछ नहीं है, जिसे पाना चाहते हैं वो मिला मिलाया है। जो दुनिया का राग रंग पा चुके हैं, मोह माया बना लिए हैं, अंत ममता बना लिए हैं, कूड़ा कबाड़ जो भर लिए हैं, उसे छोड़ना है। कबीर की साधना अस्वीकृति की साधना है। अस्वीकृति, अस्वीकृति का अर्थ क्या है? जिन जिन कर्मों से, जिस चिंतन से, जिस बात से, जिस व्यवहार से, जिस आचरण से दुख मिलता हो, पीड़ा मिलती हो, मन में चंचलता आती हो, अशांति आती हो, बंधन मिलता है, उन सबको अस्वीकार करते चले जाओ। शेष जो रह जाएगा वो आपका परमात्मा हो जाएगा, आपका भगवान हो जाएगा, आप हैं। इसलिए पाना नहीं है। 3 मुद्दे हैं कबीर साहब के। आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार, धर्म है शील सदाचार और अपने पर संयम, और उसे भगवान को परमात्मा कहो जाओ, खुदागार निर्वाण कह लो, आपका अपना अस्तित्व, आपका होना, मन के जो विकार हैं, मन की जो गंदगी उसे छोड़ दो। शीश जो बचेगा उसे आप जो कहना चाहो कह लो, लेकिन वो आपसे अलग नहीं है। इसलिए भटकना नहीं है, भटकना छोड़ करके अंतर्मुख होना है, और मन के सारे कलमशों को धो करके निर्मल निष्काम हो जाना है। जीवन में आनंद, निर्वाण, कल्याण, मोक्ष सबका अनुभव हो जाएगा, ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अपने वाणी पर ही विराम।